सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। दोस्तों तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रीहीटिंग के बारे में। रीहीटिंग जिसके अंदर हम दोस्तों देखने जाए तो यहाँ पे सिंपल गैस टर्बाइन प्लांट यूजिंग रीहीटर का उपयोग करके हम यहाँ पे जो गैस टर्बाइन प्लांट होता है उसके अंदर यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं आपको, यहाँ पे टर्बाइन का यूज करके है दोस्तों, तो गैस टर्बाइन है उसको यहाँ पे टर्बाइन को दो या दो से ज्यादा स्टेज में उपयोग करके यहाँ पे रीहीटिंग का उपयोग करके यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। जिसके अंदर दोस्तों बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है कंप्रेसर। अब आप सभी को पता है कंप्रेसर है बाहर की एयर को कंप्रेस करके आगे यहाँ पे कंबसन चेंबर में देगा। अब कंबसन चेंबर में से आगे फ्यूल का एड होके फिर बाद में यहाँ पे कंबसन चेंबर वाली जो गैसेस है फ्लू गैसेस हमारा जो मेन इक्विपमेंट है वो यहाँ पे टर्बाइन के ऊपर जाएगा। अब वहां के उसका एक्सपांसन होगा, एयर का एक्सपांसन, भाप का एक्सपांसन होगा। एक्सपांसन होगा तो वो टर्बाइन धीमे धीमे धीरे धीरे घूमेगा। अब जैसे धीरे धीरे घूमेगा तो उसके अलावा वहां से जो टर्बाइन में से होने वाली भाप को वापस वहां से निकाल के आगे एक रीहीटर में दिया जाएगा। अब रीहीटर का काम है जो भाप है उसको ज्यादा गर्म करना और प्रेशर पे लाना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे रीहीटर में वो भाप है वो ज्यादा गर्म हो जाएगी और आगे और उसमें अंदर एड फ्यूल एड किया जाएगा ताकि वो यहाँ पे प्रेशर में आ जाए और अगली वापस उसको दूसरे टर्बाइन के अंदर भेजा जाएगा। अब क्या होगा, पहले टर्बाइन के अंदर वो थोड़ा सा घूमी तो वहां पे वो टर्बाइन काम में लिया गया। अब वो टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो ही जाएगी, साथ में वापस उसी स्टीम को रीहीटर में वापस दे दिया और वहां पे उसी को गर्म करके वापस उसमें फ्लूइड ऐड करके वापस दूसरे टर्बाइन के ऊपर भेजा गया। तो जो भाप बची थी उसको वापस यूज में लिया गया और उस टर्बाइन के ऊपर भेजा गया और वहां पे वो टर्बाइन घूमेगा। इसी तरह दो टर्बाइन के ऊपर उसी जो प्रोसेस थी हमारी हीट गर्म हुई थी उसी को यहाँ यूज में लिया गया और उस भाप को यहाँ पे यूज में लेके उसका फ्यूल का दहन किया गया। अब उस उष्मा को जो हमारे पास उष्मा थी वो टर्बाइन टू के पास आ गई और वहां पे वो टर्बाइन घूमेगा। अब इसके साथ में मैकेनिकली कपल हो जाएगा अपना अल्टरनेटर, अल्टरनेटर हो जाएगा और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी और टर्बाइन टू में से जो एग्जॉस्ट है उसको बाहर निकाला जाएगा ताकि एटमोस्फियर में वो हाई टेम्परेचर पे बाहर भी ना निकले और उसका यूज प्रॉपरली हो भी पाए और एफिशिएंसी हमारी इस तरफ बच जाती है दोस्तों। तो पूरा का पूरा सिंपल गैस टर्बाइन प्लांट था जो यहाँ पे रेटर का उपयोग करके यहाँ पे यूज में लिया जाता है दोस्तों। दोस्तों ये सिंपल सी व्यू रचना थी, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल नंदा सनार्दी को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप ये वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आपको अदर कोई टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस देखने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाके आपको दिखाऊंगा। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों।